स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस सीक्वेंस में, जहां पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड मूव और इम्पोर्टेंट लेवल के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट अगर आप बैक टेस्टिंग करके देखते हैं तो एक बार नीचे की तरफ जाता है, मतलब अपनी 89 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है। उसके बाद अगर ऊपर की तरफ का मूव बनता है तो जैसे कि मैंने आपको कल सजेस्ट किया था कि 89 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास बाइंग कर सकते हैं और थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रख के 20 या 25 पॉइंट का ऊपर की तरफ के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट जो बन रहा था वो 55 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। तो अगर आपने कल के वीडियो एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड किया हो तो डेफिनेटली आज आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि आज का जो मूव मिला है उसमें क्या फर्दर आगे का मूव बन सकता है, और देख लेते हैं कि टेक्निकल इंडिकेशन क्या है, ऑप्शन चार्ट डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं, और कैंडलस्टिक पैटर्न और मूविंग एवरेज में क्या मूव बनता दिख रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑप्शन चार्ट डेटा के एनालिसिस से। तो दोस्तों, जैसा कि मुझे देखने के लिए मिल रहा है कि आज यहाँ पे कोई फ्रेश बुलिश पोजीशन नहीं बनी है। आज जो रैली है वो मोस्टली जो है वो कॉल शॉर्ट कवरिंग पे ड्रिवन है। मतलब अगर आप देखो तो 10,000 से लेके 10,650 का जो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज मुझे दिख रहा है, यहाँ पे कॉल शॉर्ट्स कवर हुए हैं। अब आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि कॉल शॉर्ट जब आप करते हैं तो आपका क्या मूव रहता है, और जब आप कॉल शॉर्ट कवर करते हैं तो आपका क्या आउटलुक रहता है। जब आप कॉल शॉर्ट करते हैं तो स्टेबल टू बुलिश आप मूव एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप कॉल शॉर्ट कवर करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं स्टेबल टू बुलिश मार्केट। मतलब आप जब आप कॉल शॉर्ट कवरिंग देखते हैं तो मार्केट अब स्टेबल नहीं रहेगा, मतलब ऊपर की तरफ का मूव बनेगा। जो नीचे की तरफ का स्टेबल या जो बेरिश मूव था अब वो खत्म हो गया है और यहाँ से अब हलचल रहेगी, मतलब बेसिकली इंक्रीज वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कॉल शॉर्ट कवरिंग सजेस्ट करता है। इसका ये भी इसको ऐसे भी समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने कॉल शॉर्ट कर रखे हैं तो आप दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं, अगर मार्केट वहीं का वहीं रहता है तो भी, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे मार्केट उसी लेवल में ट्रेड करने वाला होता जैसे कि ये ब्रॉड रेंज है तो भी कॉल शॉर्ट कवर जितने अग्रेसिवली आज हुए उतने नहीं होते। उसका सिंपल रीज़न ये है कि जब आप कॉल शॉर्ट करते हो तो स्टेबल मार्केट में भी आपको पैसा मिलता है। तो जब भी आपको कॉल शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले तो मार्केट में आप हलचल एक्सपेक्ट करें, और मोस्ट प्रोबेबली जिस टाइप पे मतलब जिस इंडिकेशन पे शॉर्ट कवरिंग हुई है, मतलब कॉल शॉर्ट कवरिंग है तो बुलिश मार्केट, और पुट शॉर्ट कवरिंग हुई है तो बेरिश मार्केट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कॉल शॉर्ट कवरिंग हुई है, अच्छी खासी कॉल शॉर्ट कवरिंग हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं कह सकते लेकिन ऑलमोस्ट सारी स्ट्राइक प्राइसेस पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 50% प्लस है। तो आप बता सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं कि मोस्टली आधे मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे अब मार्केट का जो रुख है वो बदलेगा, स्टेबल मार्केट नहीं रहेगा, ऊपर की तरफ का मूव आपको देखने को मिलेगा। और सरप्राइजिंगली 10,700 का जो लेवल है वहाँ पे फ्रेश बुलिश पोजीशन देखने को मिली है, जो सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट जो है 10,700 तक का भी मूव एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि अभी एक्सपायरी में काफ़ी टाइम है। तो ये था कॉल डेटा का एनालिसिस। तो अगर हम पुट का डेटा देखेंगे तो पुट में आपको दिख जाएगा कि जो ऊपर की स्ट्राइक प्राइसेस है, ऊपर की स्ट्राइक प्राइसेस से मेरा मतलब है 10,300 से लेके 10,700 तक की स्ट्राइक प्राइसेस, उसमें पुट लॉन्ग कवर हुए हैं। तो पुट लॉन्ग कवर हुए हैं ये सजेस्ट करता है बुलिश मूव। अगर आपने पुट होल्ड करके रखते तो आपको तभी पैसा बनता आपका जब मार्केट नीचे की तरफ जाता, जैसे कि आपने पुट खरीदा तो आप एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट नीचे जाए। तो पुट लॉन्ग कवरिंग जब होती है तो स्टेबल टू बुलिश मार्केट मार्केट पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ जो नीचे के लेवल है, नीचे के लेवल से मेरा मतलब है 10,000 से लेके 10,250 तक का लेवल, वहाँ पे ब्रॉडली पुट राइटिंग हुई है। मतलब जब आप पुट राइटिंग करते हैं तब भी आप स्टेबल टू बुलिश मार्केट एक्सपेक्ट करते हैं। अब नीचे के लेवल से 10,250 तक का जो लेवल है वहाँ पे पुट राइटिंग हुई है, तो ये सजेस्ट करता है कि 250 तक मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो स्पॉट है वो आएगा। तो यहाँ पे अभी मार्केट चला 10,166, 250 पे पुट राइटिंग का मतलब है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स बुलिश है और ऊपर की तरफ के लेवल जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नीचे के लेवल पे पुट राइटिंग सजेस्ट करता है कि नीचे के लेवल पे मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट है। तो ब्रॉडली अगर आप डेटा एनालाइज करें तो आपको दिखेगा कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है यहाँ से स्टेबल टू बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपायरी तक 10,700 तक का मूव वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रोवाइडेड फॉलो अप बाइंग भी ऊपर के स्ट्राइक प्राइसेस पे आपको देखने को मिले। अब
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि कॉल शॉट कवर होने से आपको एक रैली मिली ऊपर की तरफ, अच्छी बात है, लेकिन अगर इस रैली को कंटिन्यू होना है तो आपको फ्रेश बुलिश पोजीशन बननी ज़रूर से देखनी चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में काफ़ी टाइम है तो अभी सारी पोजीशन बनी नहीं होगी। तो अगर आपको कल के दिन में अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े तो आपको क्या करना होगा, कॉल का चार्ट जो कॉल चार्ट का डेटा देखिए और देखिए ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और प्राइसेस भी बढ़ रही है। अगर ये हो रहा है तो आपको पता चलेगा जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो यहाँ से फर्दर मार्केट में ऊपर की तरफ का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये बताता है कि जो लोग ऑलरेडी मतलब बेयर्स जा रहे हैं और बुलिश प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको देखनी काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े तो मैं आपको डिटेल्ड रिपोर्ट देता हूँ जिसमें सारी चीज़ें विद क्या स्ट्राइक प्राइसेस है, क्या ट्रेडिंग प्राइस है, चेंज इन प्राइस का क्या परसेंटेज है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का क्या परसेंटेज है और इससे क्या इंडिकेशन निकल के आता है और ब्रॉड ओआई क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको देता हूँ। तो वीडियो के साथ साथ अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे तो आपको रिपोर्ट मिलता है तो उससे आप देख सकते हैं, उसके साथ और भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है सेपरेट वीडियो बना के। बहरहाल हम अब ये फर्दर डिस्कस करना चाहेंगे कि यहाँ से आगे का क्यों क्या मूव बन सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कॉल का जो डेटा है और पुट का जो डेटा है वो बुलिश मूव सजेस्ट कर रहा है, नीचे के लेवल पे सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो जब तक मुझे लगता है कि मार्केट जिस फॉर द टाइम बीइंग 10077 के लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो इसमें डेफिनेटली आप नीचे के लेवल पे पुट राइटिंग कर सकते हैं विद डेफिनेटली हेजिंग। और अगर मार्केट मुझे लगता है कि कल एक गैप अप ओपनिंग सा भी मिल सकता है क्योंकि चांसेस है अच्छा खासा एक कैंडल बनाए, तो जो कैंडल होता है वो एक कितने कैंडल बन एक कैंडल दूसरी मूविंग एवरेज को रीच करने में कितने कैंडल लेता है ये भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स का एक बिहेवियर दर्शाता है कि आज जैसे ही आपको देखने को मिला कि बुलिश पोजीशन बनी तो कॉल शॉर्ट कवरिंग इतनी जल्दी हो गई, मतलब ये एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। तो एक ही कैंडल लिया है वापस 55 की मूविंग एवरेज में टच करने के लिए, तो ये अच्छी बात है, अच्छा इसमें मूव सजेस्ट हो रहा है, तो ऊपर की तरफ के टारगेट आप बिल्कुल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात ये थी कि ऊपर की तरफ के टारगेट अगर बनते हैं तो क्या लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उसे हम्बल ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जस्ट आप थोड़ा बहुत बैक टेस्टिंग करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड अच्छा खासा डाउन यहाँ पे मूव बना था, तो वो था 10,180 का लेवल। तो अगर आपको मार्केट का ये वेव राइड करना है तो 10,180 से ऊपर मार्केट को जाने दीजिए। जो नेक्स्ट लॉजिकल रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता दिख रहा है वो बन रहा है 10,250 के आसपास, उसके नीचे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 10,240 के आसपास, लेकिन मुझे लगता है कि जो ब्रॉड रेजिस्टेंस है वो है 10,180 सॉर्ट ऑफ जो लेवल है उसको एक बार ऊपर की तरफ जाना चाहिए अगर आपने फिलहाल इसमें कोई बुलिश पोजीशन नहीं बनाई है। तो उसके ऊपर ट्रेड करता है, उसके आसपास ट्रेड करता है तो डेफिनेटली आप इसमें ट्राई कर सकते हैं ऊपर की तरफ के मूव का, और फाइनल जो ब्रॉड टारगेट है 10,250 तक का यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बनना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मैकडी का सपोर्ट है, हालांकि मैं ये एक्सेप्ट करना चाहूँगा कि आज मैं बुलिश मूव नहीं बल्कि थोड़ा सा नीचे की तरफ का मूव एक्सपेक्ट कर रहा था, और उसके नेक्स्ट डे मतलब कल के दिन के लिए मैं उसमें बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि थोड़े जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा नीचे था अभी, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि ये लेवल ऑलरेडी ब्रेक हो गया था और सपोर्ट यहाँ से नीचे था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट थोड़ा और नीचे आएगा और फिर ये जो ग्रीन कैंडल है आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अच्छी बात है आज ही आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल गई, तो जो सपोर्ट है वो इंटर मतलब बीच बीच में होल्ड हो रहा है, तो ये जो बुलिश मूव है उसको और स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप देखोगे कि तो RSI का जो सपोर्ट है तो RSI का जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा आपको होल्ड होता दिख रहा है, जैसे कि मैंने कल बताया था कि यहाँ से एक बुलिश मूव बना था, यहाँ से भी एक बुलिश मूव बना था, तो यहाँ से भी सपोर्ट लिया, तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करें कि अगर 89 डेज की एक्सपोनेंशियल RSI ब्रेक होती है तो आपको अच्छा खासा बुलिश मूव बनेगा फर्दर एक ट्रेंड ब्रेक के बाद, मतलब पिछला जब बुलिश क्रॉसओवर ब्रेक होने के बाद एक फर्दर बुलिश क्रॉसओवर बना है नेगेटिव जोन में तो एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में ढेर सारी मैंने लिंक दी हुई है, मैंने जो भी प्लेलिस्ट बनाए हुए उसमें जाके आप सीख सकते हैं। हालांकि सिंगल उसके साथ ट्रेड मत करिएगा कि भाई मैकडी में बुलिश क्रॉसओवर बनाए तो चले पॉजिटिव जाते हैं, नहीं, बहुत सारी चीज़ें हम पूरे सिस्टम यूज़ करते हैं, कैंडलस्टिक, मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर्स, ऑप्शन चार्ट, डाटा, सारी चीज़ें हम कंसिडर करके इसमें ट्रेड करते हैं। तो अब मेक श्योर करिएगा कि एक ही चीज़ को देख के आप इसमें ट्रेड ना करें। तो यहाँ पे मैकडी भी आपको सपोर्ट लेवल के आसपास बुलिश क्रॉसओवर दे रहा है, रेंज ट्रेंड ब्रेक के बाद बुलिश क्रॉसओवर है जिसकी वैलिडिटी अच्छी मानी जाती है। RSI में भी आपको नीचे के लेवल पे जो सपोर्ट जो मैंने आपको कल बताया था वो होल्ड होता दिख रहा है। फर्दर आप CCI देखोगे तो CCI भी ऑलमोस्ट अब ऊपर की तरफ आने का कोशिश कर रहा है, और हिस्टोरिक वोलेटिलिटी अगर आप देखें तो वोलेटिलिटी में इंक्रीज है,
तो जनरली ये देखा गया है कि इंक्रीज इन वॉलिटिलिटी और बुलिश मूव अच्छा नहीं जाता, लेकिन जब बुलिश क्रॉस ओवर बनता है और इंक्रीज इन वॉलिटिलिटी मिलती है तो हम उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। बट जनरली मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि वॉलिटिलिटी बढ़े और बेरिश मूव बने, तो वो ज़्यादा बेटर जाता है। बट एनीवेज जो है हमको उसको लेके चलना पड़ेगा। तो वॉलिटिलिटी इंक्रीज़ हुई है ऊपर की तरफ, तो आपको नेचुरली एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ का आज आपको मूव देखने को मिला है। तो जैसे कि मैंने बताया लेवल्स आप कंसिडर कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बार बार बताता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं कैसे ट्रेड डिसाइड करता हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। एक चीज़ें नहीं 10 चीज़ें देख के हम कंसिडर करके लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मेरी सलाह के अनुसार चलें। आप अपना दिमाग लगाएं, आप अपने हिसाब से चीज़ों को एनालाइज़ करें। प्लेलिस्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको सीखें समझें, उसके हिसाब से पेपर ट्रेड करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ मूव बन रहा है, एक अच्छा सिस्टम हमें मिला है, तो आप अपने रिस्क को इसको ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्टली मेरे ट्रेड जाना है, मैं क्या ट्रेड ला और क्या ट्रेड दे रहा हूँ और मेरा रिपोर्ट्स वगैरह चाहते हैं, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ये हो गई बात निफ्टी की। अब फटाफट से देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या मूव बता रहा है। तो चलिए बैंक निफ्टी की हालत तो कल बहुत ही ख़राब दिख रही थी, लेकिन आज निफ्टी में जो रैली मिली है वो निफ्टी बैंक निफ्टी को भी ऊपर की तरफ उठा के ले गई। लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ कि एक्चुअल क्या पोजीशन है। जैसे आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेड कैंडल था और ऊपर की तरफ आज मार्केट अच्छा ओपन हुआ और फाइनली अब जो है 55 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं ये मानना चाहूँगा कि मैं थोड़ा इसमें ज़्यादा वॉलिटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा था बैंक निफ्टी में, बट समहाउ बैंक निफ्टी में वॉलिटिलिटी नहीं देखने को मिल रही है। मतलब अच्छा खासा जो ऊपर की तरफ था मूव हमें मिलना चाहिए बैंक निफ्टी में, वो नहीं मिला। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैकडी के नीचे के लेवल का सपोर्ट वो होल्ड कर रहा है। बुलिश क्रॉस ओवर हालांकि नहीं बना है, उसको थोड़ा अभी और वैलिडेट होना पड़ेगा। RSI में नीचे के लेवल का सपोर्ट आपको बनता दिख रहा है और CCI की ऊपर ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है और वॉलिटिलिटी जैसे कि मैंने आपको बताया इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर आपको इसको इस वाले पर्टिकुलर मूव को राइड करना है तो आप इसमें आज लॉन्ग जा सकते थे। नीचे का जो लेवल था 25,000 वो एक अच्छा सपोर्ट है, या तो फिर आप थोड़ा बहुत नीचे 24,990 जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, उसको एक बार आप स्टॉप लॉस के तरीके से कंसिडर करके ऊपर की तरफ के मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव इसमें बनना चाहिए अगर ये ऊपर के लेवल पे होल्ड करता है तो। और जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए वो बनना चाहिए 10,220 या 230 के आसपास आपको एक बार मिल जाना चाहिए। हालांकि जो रेजिस्टेंस है वो 25,190 के आसपास आपको थोड़ा बहुत दिख जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको निफ्टी का रोल ओवर का डेटा जाना है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि निफ्टी में मुझे जो रोल ओवर हुए हैं, मैं आपको बताना भूल गया। तो मुझे दिख रहा है कि निफ्टी रोल ओवर जो है वो बुलिश साइड हुआ है। यहाँ पे फ्रेश बुलिश पोजिशन बनी है और पुट में यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग होती दिख रही है। तो ऑल इन ऑल जो डाटा है रोल ओवर डाटा है वो यहाँ पे बुलिश होता हुआ बुलिश डाटा दिख रहा है, अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि स्टेबल टू बुलिश मूव मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये एक्सपायरी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।